आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, कैद से भागा मुजरिम। भिंड में पुलिस अधिकारियों ने बगैर नंबर वाली मोटरसाइकिलों पर डलवाया नंबर। मध्य प्रदेश में DGP ने जारी किया फरमान, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को दी सख्त हिदायत। अब ट्विटर के टॉप ट्रेंड में चौकीदार नरेंद्र मोदी, बिहार में भी गरमाई सियासत। और BJP में शामिल हो सकते हैं दिगंबर कामत, CM पद के लिए भी लगाए जा रहे कयास। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला मोहम्मदी कोतवाली का है, जहां पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़कर लाई थी, जो कोतवाली से मौका लगते ही फरार हो गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला मोहम्मदी कोतवाली का है, जहां पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़कर ले जा रही थी, जो कोतवाली से मौका लगते ही भाग निकला। जानकारी मिलते ही सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए, फिर पूरी कोतवाली पुलिस अपराधी के पीछे दौड़ पड़ी। मुलजिम को पकड़ने के लिए सरे बाजार थाने के सिपाहियों को दौड़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। 2 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाने के बाद मुश्किल से पुलिस अपराधी को पकड़ने में कामयाब रही, जो चर्चा का विषय रहा। सर, एक मामूली कोतवाली में अपराधी कोतवाली से भागा है, क्या मामला है? नहीं, एक थाना मोहम्मदी क्षेत्र में एक 354 का मुलजिम था, वांछित था, वो कोतवाली लाया गया था, उसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने दौड़ा के पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दौड़ लगाती पुलिस CCTV में भी कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। वही लापरवाह पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। भिंड में कोतवाली के सामने पुलिस अधिकारियों ने नंबर प्लेट पर नंबर न डाले हुए मोटरसाइकिलों को पकड़ लिया और तुरंत ही पेंटर को बुलवाकर मोटरसाइकिलों पर नंबर डलवाया गया। भिंड में कोतवाली के सामने पुलिस अधिकारियों ने नंबर प्लेट पर नंबर न डाले हुए मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और तुरंत ही पेंटर को बुलवाकर मोटरसाइकिलों पर नंबर डलवाए गए। मध्य प्रदेश DGP का फरमान अपने अपने ग्रुप का, और बिना कहीं भी अपराध होता है तो पुलिस प्रशासन, जितने भी पत्रकार हैं मध्य प्रदेश में, सभी को आदेश नहीं माना गया तो 420E का मुकदमा कायम होगा। मध्य प्रदेश DGP का फरमान अपने अपने ग्रुप का और बिना कहीं भी अपराध होता है, पुलिस प्रशासन, जितने भी पत्रकार हैं मध्य प्रदेश में, सभी को आदेश नहीं तो 420E का मुकदमा कायम होगा। किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट करता है, उसके ग्रुप एडमिन को आवश्यक रूप से आरोपी बनाया जाएगा। ग्रुप एडमिन ये सुनिश्चित कर लें कि कम से कम उनके जो मेंबर्स हैं उनको उसका नियंत्रण होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे मेंबर्स को इमीडिएटली बाहर कर दें। यदि कोई भी विषय ऐसा आता है तो उसमें तत्काल प्रकरण पंजीकृत होगा। संबंधित ग्रुप मेंबर जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया, प्लस ग्रुप एडमिन जो ग्रुप में चला रहा है, ग्रुप एडमिन को अपना सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। कानून का प्लान, आचार संहिता का उल्लंघन, मध्य प्रदेश से सभी जोन प्रभारी मध्य प्रदेश के मौजूद रहे। रीवा संभाग ब्यूरो चीफ सोनू, पत्रकार रीवा, HBN न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी का चौकीदार चोर है का नारा उल्टा पड़ता दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगह खुद को चौकीदार बताते हुए कहा है कि ये चौकीदार चौकन्ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी का चौकीदार चोर है का नारा उल्टा पड़ता दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगह खुद को चौकीदार बताते हुए कहा कि ये चौकीदार चौकन्ना है। उन्होंने ट्विटर पर भी अपना नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। उधर उनके समर्थन में सियासत भी गर्मा गई है। बिहार समेत देश के अधिकांश भाजपा नेताओं ने खुद के नाम के पहले चौकीदार लगा लिया। मनोहर पर्रिकर की खराब तबीयत के बीच गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के BJP में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिगंबर कामत के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही BJP का दामन थाम सकते हैं। मनोहर पर्रिकर की खराब तबीयत के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के BJP में आने की चर्चा तेज हो गई है। दिगंबर कामत के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, दिगंबर कामत के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा की जा रही है।
और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।